ये देख लो गाइस, इनको गणपति आ रहा है ना, तो ये भी आ गए। सो क्यूट, कितना क्यूट लग रहे हैं। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट इनको मैं छोड़ देती हूँ बाहर। रुक जाओ, जाओ भाग गया देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर डे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, वो मैंने आपसे इस पहले वाले व्लॉग में दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना। और वो सूट कर रही थी, देन उसके बाद मैं थोड़ा थक गई थी, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, ठीक है। तो मैं कपड़े धोने लग गई, उसके बाद मैं अभी भी नहा के आई हूँ। अभी मैक्सिमम 12:30 हो रहा होगा, तो अब से मैं जो जो करने वाली हूँ वो इस ब्लॉग में दिखेगा। तो अभी कपड़े मैंने धोए हैं, बट उसको सूखने को नहीं डाला, तो सूखने को डालना है। देन देखते क्या क्या करूँगी मैं। बाय, तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो गाइस, मैंने ये सारे कपड़े धोए हैं, अब उसको यहाँ पे सूखने को डालना है। कपड़े सूखने को डाल दिए, अब चलो रूम में। और रूम की हालत भी बहुत ख़राब हुई है, और ये मैं और लाइट्स को, रिकॉर्डिंग लाइट ही ऑन करती हूँ, लाइट नहीं हो। सो गाइज, अब आज मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको वीडियो शूट करने के टाइम पे। मतलब अभी ही शूट करूँगी, क्योंकि बहुत लेट पहले ही हो चुका है, और काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई मेकअप वीडियो नहीं जा रही है, तो वो शूट करना है, तो मैं शूट करने के टाइम पर मिलती हूँ, ठीक है। मतलब सेटअप वगैरह ठीक कर लूँ, फिर मिलती हूँ। एवरीवन, सो गाइज, मैंने ये लुक क्रिएट की हुई है, और बहुत इजी है, और बहुत सिंपल सी है, और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में हुई है। प्रोडक्ट्स वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियो में नहीं दिखाती, बट ये वन ब्रांड मेकअप लुक है, और ये काइंड ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक पे है। और मैं बता दूँ कि मैं कैसे अपना शॉर्ट वीडियो जो होता है वो शूट करती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये पर्दा मैं आपको पैक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर मुझे रील्स भी बनाने हैं, तो पहले देख लो सेटअप, ठीक है। तो गाइज, ये है मेरा रिंग लाइट, और ये यहाँ पे ऐसे करके मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। देन यहाँ पे मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज के लुक में यूज़ किया है, वो ये मेबलिन के प्रोडक्ट्स हैं। देन ये वाला जो पर्दा आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में मेरे साइड में टंगा हुआ देखा होगा, तो इसे ही मैं जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे, आप देख सकते हो, क्लिप पे लगा देती हूँ। देन पे मैंने बांध दिया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप देख सकते हो कैसा कि। और दैट्स इट, उसके बाद मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन होता है, जिसे मैं अभी शूट कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने अपना रील जो बनाना था, मैंने एक दो रील्स बनाए हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप जल्दी से जाके मुझे फॉलो करो यार, क्योंकि मैं वहाँ भी बहुत सारे अपने डेली अपडेट्स या फिर नए नए स्टोरीज़ के लिए वीडियो भी मैं बनाती हूँ, कॉमेडी टाइप करके। और मैं बहुत सारे न्यू पिक्चर्स, अभी सेल्दी के बर्थडे का पिक्चर भी मैंने पोस्ट किया है। और मैं रील तो डेली नहीं, मतलब हाँ डेली रील ज़्यादातर ही मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं यूट्यूब पे जितनी एक्टिव हूँ, उतनी इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, तो आईडी तो यहाँ पे दिख रही होगी, प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना। और ये सारा चीज़ मैं क्लीन कर लेती हूँ, देन उसके बाद आज ये सारा क्लीन करना है, बट मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी और थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी, फिर शाम को अपना रूम क्लीन करूँगी। और दैट्स इट, मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, आई नो, बट मैं ये करने वाली हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज, नहीं अभी बहुत बाकी है, तो मिलती हूँ मैं आपको आधे घंटे के बाद, ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं सोई तो नहीं थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। और अभी मुझे कनक ने ना यहाँ पे ला के दिया है पापड़ी चाट। एक्चुअली मेरे यहाँ का ना पापड़ी चाट काफ़ी फेमस है गाइस, और काफ़ी सही पापड़ी चाट मिलता है। तो एक मिनट है, फिर मैं उसको खोल लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइज, मैं पापड़ी चाट टेस्ट करने वाली हूँ, और मुझे एक मिनट यार, मैंने पापड़ी चाट ऐसे पहले खाया हुआ है, बहुत 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 टाइम बाद मैं जब पापड़ी चाट खा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सेल जल्दी होती है यहाँ पे, तभी मैं खाने जाती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ ना यहाँ ये वाला पापड़ी चाट नहीं मिलता, और वो उनको इतना ज़्यादा पसंद है कि जब भी आती है मेरे यहाँ, तब भी बोलती है कि चलो भाई पापड़ी चाट तो खाना ही है सेल जल्दी, या फिर कोई भी, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है पापड़ी चाट गाइज। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ,
अब मेरे मुँह पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ मैं। एक मिनट, आ बहुत गर्म भी है। मजा आया। ओह माय गॉड, मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, इतना ना टेस्टी, सचमुच बहुत टेस्टी है। मैं ऐसा ही कुछ नहीं बोल रही, लिटरली जो जिन जिन ने पापड़ी चाट पहले खाया होगा ना, उनको पता होगा कि पापड़ी चाट ना समोसा चाट से भी ज़्यादा सही होता है, और दही चाट जो भी चाट खा लो, लेकिन पापड़ी चाट जैसा कोई नहीं होता। मैं खा कर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय। हेलो एवरीवन, सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्या जो मैं अपने 3-4 व्लॉग से बोल रही हूँ, कि मैं अपने रूम का साइड क्लीन करने वाली हूँ। और ये क्या ही बॉल बीच में आ जाता यार, सॉरी गाइस। सो मैं आज अपना ये रूम का एरिया क्लीन करने वाली हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे बर्तन भी धोना है, क्योंकि मेरे घर में कोई बाई नहीं है। मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और घर पे कोई नहीं है। आई नो मैं कितने सारे व्लॉग से बोल रही हूँ कि घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई नहीं है, बट गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होता है ना, घर पे कोई नहीं होगा तो कितना अच्छा लगेगा, है अकेले लाइफ, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अकेले बहुत ही अजीब सा लगता है, ठीक है। तो अभी सब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँगी, उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। तो चलो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, वरना मैं वीडियो में ज़्यादा बकवास करती ही दिखती हूँ तो फिर आप लोग बोलोगे कि कितना बकवास करती है, कितना बकवास करती है, कितना बकवास करती है। तो बकवास नहीं करूँगी मैं अब, और मैं बहुत बोल चुकी हूँ, आई नो। अरे यार मेरे जीभ में ना, वो मैंने चाट खाया था अभी, पापड़ी चाट, तो सॉरी ना। और अभी नवाज का टाइम हो गया, अनजान का टाइम हो रहा है गाइस। तो अभी अनजान मतलब हमारे घर के ना थोड़े आगे ही मस्जिद है, तो वहाँ से सुनाई देता है। तो आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट अगर ध्यान से सुनो ना तो सुनाई देता है। सुनो तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई धर्म को मानती हूँ टाइप वाला, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं इंसानियत को मानती हूँ। और मैं बहुत बोल गया है, फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे मजाक बनाएंगे ब्लॉग देख के, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, और ज़्यादा बकवास मैंने 3 बार बोल दिया। क्लीनिंग। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी सब क्लीन करना पड़ेगा, और कैसे क्या स्टार्ट करूँ मैं, मेरे को खुद भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं पहले बुक्स जो है साड़ी मेरे यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, जो मैं शायद ही कभी पढ़ लेती हूँ इसको उठा के। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि मैं 12th क्लास में हूँ, अकाउंट मतलब आईकॉम में, बीकॉम बोलने वाली थी अभी मैं। फटाफट से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसा क्लीन कर लिया है, लाइक सारी सामान को एक जगह पे रख दिया है, जिससे मुझे पता चल सके कि मैंने क्या कहाँ रखा है। और ये वाला जो साड़ी था इसमें, जो मैं काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी सूट करने के लिए, तो वो वाला को मेरे को अब गोदरेज में रखना है। और कुछ चीज़ें हैं मतलब ब्लाउज है और जीन्स टॉप है, जिसको मुझे धोना है। गाइज मैं भूल ही गई थी इस जीन्स टॉप को, कि मेरे पास ये भी है, ठीक है। तो दैट्स इट। आई डोंट नो गाइज कि आप लोगों को ये सारा क्लीन दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर मैंने जितना मेरे से क्लीन हो सकता था उतना कर दिया है, और काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें पता चल गई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और ना मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैंने ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लीन तो कर ही दिया है, अब मुझे सिर्फ बर्तन धोना है, देन उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करनी है। तो ऑब्वियसली मैं बर्तन धोते हुए तो अपने आप को नहीं दिखाऊंगी यार, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बर्तन लेकिन मैं धोती हूँ, कोई समझता ही नहीं मेरे, बट बर्तन धोना है तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, देन आपको डिनर बनाते वक्त मिलते हो, ठीक है। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, और मैंने रोटियाँ बना ली जैसा कि आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ रोटी को रखा हुआ है। अभी मुझे इसे अच्छे से हॉट पॉट में रखना है। हे एवरीवन,
सो गाइज, आप लोगों ने देखा ही कि मैंने डिनर बना लिया है, और मैंने डिनर के जो प्रोसेस होता है वो नहीं दिखाया कि मैंने कैसे कैसे मतलब यू नो कट किया वगैरह वगैरह वाला क्लिप नहीं डाला है, क्योंकि फिर मतलब मॉर्निंग रूटीन में भी मैंने वही दिखाया था ना यू नो डीपली जा घुस घुस के, तो मैंने डिनर वाला मैं नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लगता है यार ठीक है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं डिनर नीचे जाके करूँगी। ऑब्वियसली नीचे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से नीचे वाला एरिया मैं दिखाती ही नहीं आप लोगों को, तो सॉरी। बट ठीक है, लाइटिंग जैसे ही ठीक हो जाएगी वैसे मैं आपको नीचे वाला एरिया भी दिखा दूंगी और नीचे जो जो करती हूँ वो भी दिखा दूंगी। बट अभी तो खैर नहीं है लाइटिंग, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में फीडबैक जरूर देना, और क्या इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। और इससे पहले वाला व्लॉग यानी कि माय मॉर्निंग रूटीन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, उसको भी जाके देख लेना। और यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।